वहीं बड़ी खबर एक और आपको दे दे, जहां झामुमो में शामिल हो सकते हैं पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू। हेमलाल मुर्मू ने झामुमो में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। मैं फिर से घर वापसी करना चाहता हूं, हेमलाल मुर्मू ने यह कहा। 2 फरवरी को पार्टी से मांगा गया है समय। फिलहाल झामुमो की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया। फिलहाल बीजेपी में है पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, महत्वपूर्ण ये जानकारी, जहां राजनीतिक परिवर्तन, सत्ता में बदलाव, यही लोकतंत्र की एक बड़ी शक्ति है। और झामुमो में शामिल हो सकते हैं पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और ना केवल कयास लगाए जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने खुद अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो वापस अपने घर लौटना चाहते हैं। और 2 फरवरी को पार्टी से उन्होंने मुलाकात के लिए, मिलने के लिए समय मांगा है, लेकिन अब तक JMM की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया। फिलहाल बीजेपी में है पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू, जिन्होंने कहा है कि वो एक बार फिर से झामुमो में वापसी करना चाहते हैं, लेकिन इस वापसी का सौदे को आखिर JMM स्वीकार करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लगातार मेहनत कर रहा है, और इस बीच अगर वापसी होती है हेमलाल मुर्मू की, तो क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज कुमार जुड़ गए हैं। सूरज, फिलहाल हेमलाल मुर्मू ने फिर से घर वापसी की बात कही है, क्या समझे इससे? देखिए पूजा, हेमलाल मुर्मू की कदकाठी झामुमो में जब ये थे तो काफी बड़ी थी, और काफी कद्दावर नेता माने जाते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और पार्टी में रहने के बाद ये झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री भी एक बार बने थे, और इनकी छवि उस समय काफी अच्छी थी। लेकिन जब से ये JMM छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद जो तेवर, जो इनकी पहली तेवर देखी जा रही थी, वो तेवर और वो जगह पार्टी के अनुसार इन्हें नहीं मिला, इसलिए वो फिर से पुनः घर वापसी करना चाहते हैं। और इसी को लेकर उन्होंने झामुमो का पत्र भी लिखा है। पार्टी के जो शीर्ष नेता है, उन्हें भी अपनी मंशा जाहिर की है कि मैं पुनः फिर से पार्टी में वापस आना चाहता हूं। हालांकि हेमलाल मुर्मू की तरफ से 2 फरवरी का समय निर्धारित की गई है पार्टी में शामिल होने की, क्योंकि 2 फरवरी को दुमका में महाधिवेशन है। पार्टी के हर साल धूमधाम से महाधिवेशन मनाई जाती है, स्थापना दिवस पार्टी मनाती है, तो उस दौरान वो घर वापसी की वो समय निर्धारित की थी। लेकिन पार्टी की तरफ से अभी हेमलाल मुर्मू को किसी तरह का कोई समय नहीं दिया गया है कि उनकी घर वापसी की तारीख का जो तारीख की जो निर्धारित समय है, निर्धारित तारीख है, वो अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं की है पार्टी की तरफ से। लेकिन ये कह सकते हैं कि थोड़ी देर पहले हमसे हेमलाल मुर्मू की बात हुई, हेमलाल मुर्मू का कहना कि मैं पुनः वापस पार्टी में जाना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी की तरफ से अभी किसी तरह कोई फैसला नहीं लिया गया है और ना ही उनकी तरफ से कोई समय दी गई है। ठीक है सूरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि झामुमो के साथ वापसी की इच्छा हेमलाल मुर्मू ने जताई है, तो क्या घर वापसी हो पाएगी, क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।